एक समय ऐसा भी आता है जब अच्छे से अच्छा खाना भी देखकर भूख नहीं लगती। क्या भूख खाना देखकर लगती है? जी नहीं, भूख खाना देखकर नहीं, अपने वक्त पर लगे तो समझे सब ठीक है, अन्यथा कुछ गड़बड़ है। आज ऐसी ही एक गड़बड़ को ठीक करने का मेरा प्रयास रहेगा, जिसका नाम है अरुचि। जी हाँ, या यूं कहें खाने से मुंह मोड़ लेना। खाना खाने से पहले या खाना खाते समय खाने से अरुचि होने लगे, खाना अच्छा ना लगे, या आपको लगे कि आपका पेट खाना देखकर ही भर गया हो। मन में ऐसा विचार आए तो समझें कि पेट में कुछ गड़बड़ है। ये कोई कठिन या जटिल रोग नहीं है, उचित चिकित्सा से रोगी को इससे शीघ्र छुटकारा मिल जाता है। यहाँ मैं आपको पहले कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताने जा रहा हूँ जिसको करके आप अरुचि की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। करेला तो आप सभी जानते होंगे, नाम सुन के ही उसे खाने का मन भी नहीं करता। पर क्या आपको पता है, यही कड़वा करेला पेट की अग्नि को बढ़ाने वाला, भोजन को पचाने वाला और अरुचि नाशक है। करेले की धीमी आंच पर तरकारी बनवाएं। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ बनी हुई तरकारी भोजन के साथ खाने से अरुचि, मंदाग्नि, अपच, अफारा, कब्ज आदि उदर विकार दूर हो जाते हैं। भोजन के बाद एक चुटकी काला नमक पानी के साथ पीने से अरुचि समाप्त होती है। प्याज को सिरके के साथ खाएं, अरुचि समाप्त होगी। गर्म पानी के साथ सौंठ का चूर्ण प्रयोग करने से भी अरुचि दूर होती है। लहसुन की 5-6 छिली हुई कलियां पीस लें और उसमें नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर खाने से अरुचि नष्ट होती है। ये कुछ घरेलू उपाय हैं जिनको करके लाभ उठाया जा सकता है। ये घरेलू उपाय करने में सिंपल और साधारण हैं, फिर भी कभी कभी इनको प्रयोग में लाने का समय नहीं होता या कभी कभी हम भूल जाया करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ कुछ बनी बनाई दवाई प्रयोग में लेकर खाने से अरुचि की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। अरुचि जैसी समस्या होने पर आपको बैद्यनाथ की गैसांतक टैबलेट और सेठ ब्रदर्स का कायमचूर्ण लेना है। कब और कैसे लेना है वो भी जान लीजिए। बैद्यनाथ की गैसांतक टैबलेट खाना खाने से आधा घंटा पहले चूस चूस के खा लिया करें। वहीं कायमचूर्ण रात का खाना खाने के 1-2 घंटे बाद सादे पानी के साथ 5 ग्राम लगभग एक छोटी चम्मच खा लिया करें। कायमचूर्ण के सेवन से कब्ज और इससे उत्पन्न होने वाले तकलीफें जैसे खाने से अरुचि, अजीर्ण, एसिडिटी, सिरदर्द, मुंह के छाले, शरीर में सुस्ती आदि विकार ठीक हो जाते हैं। यह चूर्ण शरीर को शीतलता प्रदान कर मन को प्रफुल्लित रखता है और शरीर को बल प्रदान करता है। तो बताए गए योग प्रयोग से 100% लाभ उठाया जा सकता है, बशर्ते पथ्य आहार विहार का पालन और अपथ्य आहार विहार का त्याग करें। जान लीजिए पथ्य आहार विहार के बारे में। जब शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो पथ्य आहार का पालन करना चाहिए। जैसे खाने में आप दाल चावल, रोटी, साग सब्जी, मौसमी फल, नारियल पानी आदि का भरपूर सेवन करें। वहीं विहार की बात करें तो सुबह जल्दी उठकर 1-2 ग्लास तक पानी पिएं, खुली हवा में टहलें, योगासन करें, एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से आपको अत्यधिक लाभ मिलेंगे और स्वास्थ्य की रक्षा होगी और आप सदैव निरोग बने रहेंगे। अपथ्य आहार विहार, तला भुना भोजन, चटपटे मसालेदार व्यंजन, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स आदि सब अपथ्य आहार हैं, इनसे आपको बचना है। दूसरा, सुबह तक देर तक सोना, रात्रि जागरण करना, कोई भी व्यायाम योगासन आदि ना करना, ये सब अपथ्य विहार हैं, इनका त्याग करें। अलबत्ता पहले तो कोई विकार होने मत दो और अगर कोई विकार हो जाए तो उसे ठीक करने में देरी ना करें। वीडियो में दी हुई जानकारी से आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा और भी पर्सनल जानकारी आप ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आने वाली अपडेट्स लेते रहिए। अगर आप भी अपनी हेल्थ को लेकर गंभीर हैं और अपनी हेल्थ को संभाल कर रखना चाहते हैं तो बने रहिए चैनल पर।